हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायो होम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वायरस पर, हमने वायरस पर बात की थी। हमने वायरस का क्लासिफिकेशन, वायरस के फीचर्स एंड वायरस का इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड शेप्स देखी थी वायरस की। सो हम देखते हैं वायरस का नोमेनक्लेचर की, मतलब वायरस का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। गिब्स एंड हैरिसन ने फर्स्ट टाइम सबसे पहले इसका वायरस का नोमेनक्लेचर किया था। इन्होंने क्या कहा था इसके नोमेनक्लेचर को? क्रिप्टोग्राम। इन्होंने इसको नोमेनक्लेचर को कहा था क्रिप्टोग्राम। ओके, एंड क्रिप्टो इन्होंने ये बताया कि एक सिस्टम इन्होंने दिया क्लासिफिकेशन का, जिसको इन्होंने क्रिप्टोग्राम कहा। क्रिप्टोग्राम में इन्होंने ये बताया हर एक वायरस में, मतलब ईच वायरस इज गिवन अ नेम मेड अप ऑफ फोर पेयर्स। हर एक वायरस में फोर पेयर्स का कोड होता है, मतलब फोर पेयर्स का उसकी प्रॉपर्टीज के कुछ प्रॉपर्टीज को लिया और उनको उनकी बेस पर बनाया कि एक कोड होता है। फोर पेयर्स का एक कोड बनाया, ठीक है, फोर पेयर्स का एक कोड बनाया। अब देखते हैं पेयर्स में क्या है। जैसे फर्स्ट पेयर, फर्स्ट पेयर में टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कि उसमें किस टाइप का न्यूक्लिक एसिड है। अगर आर एन ए है तो आर और डी एन ए है तो डी। ओके, आर एन ए तो आर एंड डी एन ए है तो डी। ओके, एंड नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन न्यूक्लिक एसिड की, नंबर ऑफ स्ट्रैंड, अगर उसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है तो वन, डबल स्ट्रैंडेड है तो टू। ओके, सेकंड पेयर में देखा, सेकंड पेयर में इन्होंने कहा मॉलिक्यूलर ऑफ वेट न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, जैसे और मिलियंस में बताना है। जैसे अगर टीएमबी का देखे तो टीएमबी का टू होता है तो यहाँ पर टू हो जाएगा, एंड अगर वन वन है तो वन हो जाएगा। एंड परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कितने परसेंट है उसमें, अगर न्यूक्लिक एसिड कितने परसेंट, जैसे इसमें टीएमबी में 5.6% होता है तो इन्होंने 5 लिया, ऐसे ही सो ऑन जितना भी होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें ले लेते हैं। एंड थर्ड पेयर, थर्ड पेयर में शेप ऑफ वायरस के लिए, शेप ऑफ वायरस एंड शेप ऑफ कैप्सिड, वायरस की शेप कैसी है। जैसे अगर इलांगेटेड है, इलांगेटेड शेप है तो आपका ई हो गया, और स्पेरिकल है तो एस हो गया, और कॉम्प्लेक्स हो तो सी हो गया। ऐसे शेप ऑफ कैप्सिड इसका भी ऐसे ही है। एंड फोर्थ पेयर में टाइप ऑफ होस्ट इन्फेक्ट, मतलब कि किस टाइप के होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है वायरस, किस टाइप के होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है इसमें ये देखा। जैसे अगर अगर वो सीडेड प्लांट को, सीडेड प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, सीडेड प्लांट, तो आपका हो गया एस। और अगर वो आपका बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड कर रहा है, बैक्टीरिया को, तो हो गया आपका बी। और अगर वर्टिब्रेट्स को कर रहा है तो हो गया वी, वर्टिब्रेट को भी, इनवर्टिब्रेट को कर रहा है तो आई। सो कैरियर, कैरियर यूज इन ट्रांसमिशन ऑफ वायरस लिया। इसने ये लिया कि वायरस किस किस टाइप के कैरियर के द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है, जैसे एयर, एयर है या फिर है ना, तो उसको ले लिया एयर का ए। ओके, तो अब देखते हैं हम टीएमबी का क्रिप्टोग्राम, ठीक है। टीएमबी के क्रिप्टोग्राम में क्या था, अगर टीएमबी का वो देखें हम, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कैसा है, आर मीन्स आर एन ए, इसका आर एन ए होता है इसलिए आर दे दिया। एंड इसका नंबर ऑफ स्टैंड इसमें कितने होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए होता है इसलिए इसमें इसमें इन्होंने वन ले लिया। एंड इसका देखिए 2/5 मोलिकुलर वेट होता है इसका 2, और नंबर न्यूक्लिक एसिड का परसेंट होता है आपका 5.6, तो इन्होंने 5 ले लिया। एंड ई इसका, ई वाई ई शेप ऑफ वायरस, वायरस की शेप कैसी होती है इस वाले, इलांगेटेड। एंड शेप ऑफ कैप्सिड कैसा होता है, वो भी इलांगेटेड होता है। एंड टाइप्स ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड, फोर्थ पेयर में लिया, टाइप्स ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड मतलब सीडेड प्लांट पर होता है, टोबैको का प्लांट तो सीडेड होता है, तो ये सीडेड प्लांट पर इन्फेक्ट, सीडेड प्लांट को इन्फेक्ट करता है, सीडेड प्लांट, ठीक है। एंड ए हो गया आपका बाय एयर, एयर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। ओके, हमने ये देखा क्रिप्टोग्राम ऑफ टीएमबी, हमने यहाँ समझा क्रिप्टोग्राम, ठीक है। एक समझी देख लेते छोटी सी, क्रिप्टोग्राम नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस के हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राम। ये किसने दिया था आपका, गिब्स एंड हैरिसन ने, गिब्स एंड हैरिसन ने दिया था 1968 में। इन्होंने हर एक वायरस के लिए फोर पेयर्स को कोडेड किया, मतलब हर एक वायरस में इन्होंने फोर पेयर्स को कोडेड कर दिया। जैसे कि फर्स्ट पेयर में इन्होंने बताया, फर्स्ट पेयर,
सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। फर्स्ट पेयर में हो गया आपका टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड का टाइप क्या है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एंड बाय परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रैंड, नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन स्ट्रैंड, सॉरी एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्ट्रैंड देखिए इसमें कि कितने होते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रैंड, नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन न्यूक्लिक एसिड। सेकेंड पेयर में देखा इन्होंने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एंड थर्ड पेयर में देखा इन्होंने, थर्ड पेयर में लिया इन्होंने शेप ऑफ वायरस, शेप ऑफ वायरस एंड शेप ऑफ कैप्सिड। फोर्थ पेयर में देखा टाइप ऑफ होस्ट, कि होस्ट किस टाइप का है, टाइप ऑफ होस्ट एंड बाय टाइप ऑफ होस्ट बाय, और उन्होंने ये देखा कि इसमें किस तरह का कैरियर क्या है टाइप का ट्रांसमिट होने के लिए, कैरियर ऑफ ट्रांसमिशन। तो हमने उसकी बात की टीएमबी की, टीएमबी के क्रिप्टोग्राम पर, टीएमबी का क्रिप्टोग्राम किस टाइप का होता है। टीएमबी का क्रिप्टोग्राम जो होता है आपका, RY1 मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, 2Y5, 5 होता है इसका परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर, परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एंड शेप होती है उसकी इलांगेटेड, EYE शेप कैप्सिड की भी इलांगेटेड होती है। टाइप्स ऑफ होस्ट इसका होता है आपका सीडेड प्लांट, सो एस, एंड कैरियर ऑफ ट्रांसमिशन होता है ए। तो ये हो गया आपका टीएमबी का क्रिप्टोग्राम। ओके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। थैंक यू, आज इसके लिए इतना ही। सेकंड लेक्चर में दिखाऊंगी मैं बैक्टीरियोफेज और टीएमबी का पूरा, टीएमबी पर पूरा डिस्कस करेंगे कि टीएमबी वायरस कैसे इन्फेक्ट होता है, प्लांट में किस टाइप से इन्फेक्ट करता है, क्या है इसमें, किस टाइप का मॉलिक्यूल, किस टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है, किस टाइप का होता है, किस टाइप से प्लांट्स में डिसीज कॉज करता है। ओके थैंक्स।